नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ब्लॉग और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं अपने गांव के पास, बिल्कुल पास। ये पीडब्ल्यूडी सड़क है और यहां से 2 किलोमीटर पे मेरा गांव है। ये जो गांव दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा केवल पेड़ पेड़, लेकिन ये मेरा गांव है इस पेड़ के उस तरफ। और सूरज ढलने का समय हो गया है, ढलने वाला है सूरज। और यहाँ पे हम लोग आए हुए अपने गाँव से बाहर, थोड़ा मुझे फ्रूट लेना है, तरबूज लेना है। तरबूज तो आपको पता होगा, ये जो खेत दिख रहा है ना आपको, ये पीछे ये सारे खेतों में तरबूज उगाए जाते हैं। और तरबूज तो आपको पता होगा, फ्रूट नहीं पता अगर किसी को, आपको अभी खरीदूंगा फ्रूट, आपको दिखा दूंगा फ्रूट क्या होता है और खाने में कितना मजा आता है फ्रूट को। और हमारे यहाँ पर कचरी मुरी, कचरी मुरी जैसे लिट्टी बोलते हैं, और कचरी मुरी वो भी दिखाऊंगा आपको। हमारे बिहार का, मिथिला का बहुत फेमस चीज है वो कचरी मुरी, और उसे भी हम खाएंगे और वो भी आपको दिखाऊंगा, टेस्ट बताऊंगा। थोड़ी दूर पे, यहीं पे थोड़ी दूर पे चौक है, जो हम लोग के गांव का चौक लगता है, वहां पे चलते हैं। और यही रोड के किनारे में जो खेतों से तोड़ करके लाते हैं, रोड के किनारे में फ्रूट बेचते हैं और तरबूज बेचते हैं। चलते हैं वहां पे तरबूज खरीदने के। फ्रूट बेचिए छे, तरबूज बेच है क्या देवे फ्रूट? बड़ा महंगा देती है, पूछो नहीं चाहिए आजकल खेतों में नहीं। लास्ट अच्छा लास्ट चल रहा है तो ई कथी छे यो? अच्छा खराब बगल छे, क्या रुपए देवे फूट बलुआ छे? ठीक छे, क्या रुपए देवे? नीचे से तो पूरा ई भगल छे, खीरा के तरह हमरा बलुआ है चाहिए। बलुआ वाला क्या है यहां? ई लो लो, ठीक पूछ लिया। क्या रुपए देवे? खराब नहीं छे मतलब? खेत में से निकाल के दे दे दो दे, तो दे दो। चलो खेत में आप कहाँ जा रहे हो? कौन का छे? एक एक डब्बा मुरी दे दिया, कचरी दे दिया, एक एक ता लिट्टी दे दिया। गरम छे कचरी? 11,000 वोल्टेज कचरी में? ठीक छे, तब बटर कम है ना। अच्छा अब चल रहे अपने गांव की तरफ, घर की तरफ। 2 किलोमीटर का घर है मेरा और ये मेन रास्ता पीडब्ल्यूडी रोड है, और यही आना जाना होता है हमारा चौक हमारे गांव का। यहाँ पे कचरी मुर्री खाया और जहाँ भी जाना पानी वानी पी करके इस तरफ निकलना है, इस तरफ इधर भी निकल जाओ, गाँव जाना है तो इधर चले जाओ 2 किलोमीटर। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने गाँव के बाजार में, और थोड़ा कुछ लेना है लुच्ची उच्ची, और आज बचपन की कुछ यादें ताजा करेंगे। यहाँ पे कुछ खाएंगे वो चीज जो बचपन में हमने खाई थी। तो ये गांव में ऐसे बाजार लगती है, छोटा सा एरिया देख करके, खाली जगह देख करके अब बाजार लगाया जाता है। यहाँ पे चप्पलें बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे एक अंकल जी है चप्पल बेच रहे हैं। सब्जी वब्जी जो भी चीजें हैं यहाँ पे मिलती है, जरूरत की चीजें जो डेली बेस पे यूज होता है, उस टाइप की चीजें यहाँ पे मिलती है। तो चलिए कुछ हम भी खरीदारी करते हैं। 120 का है क्या चीज है? 100 रुपए देगा तो बोलो 120 ही दोगे? उस हिसाब से तो महंगा है 120। आपका कैसा चाचा? 100 रुपए। फोटो खींचते हो क्या? हाँ फोटो खींच रहा हूँ। आप ना ले फोटो? हाँ अरे आप महिला है चाचा, क्या क्या आपको दिक्कत है? इसमें से निकालो जो बड़ी बड़ी है वो निकालो। इसे हमारे गांव में कहते हैं बिसाती, बिसाती ना, जो लेडीज की कॉस्मेटिक आइटम बेचते हैं या लेडीज के यूज करने वाला सामान, उसको बोलते हैं बिसाती। हमारे गांव का अलग लैंग्वेज है, पता नहीं कौन सा भाषा है ये जिसमें बिसाती बोला जाता है। लेडीज का कॉस्मेटिक आइटम है सारा ये, और बेचने वाले को बिसाती। कहीं ये लीची केजी के हिसाब से मिलता है, कहीं गिनती के हिसाब से। हमारे यहाँ गिनती के हिसाब से बेचा जाता है, केजी के हिसाब से नहीं बेचते, बिकता है केजी भी बिकता है। तो हमारे यहाँ ये गिनती के हिसाब से मिलते हैं। अभी जो मैंने लिया है 120 रुपए का 100, काउंटिंग के हिसाब से।